हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं चीका। जब गाय या भैंस का बच्चा होता है तब उसके बाद गाढ़ा दूध 2 या 3 दिन तक आता है, उसे हम चीका बोलते हैं। ये दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और कई गुणों से भरपूर होता है, तो आप इस दूध की मिठाई इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। ये मैंने दूसरे दिन का 1 लीटर चीका लिया है। आप गाय या भैंस का किसी का भी ले सकते हैं। इसे हम एक पतीले में डाल देंगे। जितना हमने चीका लिया है उतना ही हम इसमें दूध डाल देंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का है, मतलब 1 गिलास आप चीका ले रहे हैं तो 1 गिलास दूध लें। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। मैंने मेजरिंग कप से 3 कप शक्कर ली है। इसमें शक्कर हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी शक्कर नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो शक्कर मिक्स हो रही है, तब तक हम स्टीमर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा तपेला लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है और इसमें हम ये चलनी रखेंगे। आप इसमें कोई सा भी प्लेट बर्तन इस तरह से रख सकते हैं। चलनी पर मैंने एक बड़ी थाली रखी है, मैं चीका इसमें ही जमाऊंगी। आपको जिसमें चीका जमाना है वो इस तरह से सेट कर दे। पानी गर्म हो रहा है तब तक हम वापस चीके की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें केसर डाली है। केसर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ, केसर डाल रही हूँ। अगर आपको कलर डालना है तो आप कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें केसर का कलर बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें शक्कर अच्छी तरह से घुल जानी चाहिए। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको शक्कर कम लग रही है तो इसमें शक्कर और डाल सकते हैं। जो हमने थाली रखी थी उसमें चीका डाल देंगे। आपको थाली में तेल या घी कुछ भी नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट चीका इसमें डाल दें। अगर आप पहले दिन का चीका ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए आप 1 गिलास चीके में 2 गिलास दूध डालें। मिठाई दिखने में सुंदर लगे तो उसके लिए मैं इसमें पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे एक बड़ी थाली से ढक देंगे और 30 मिनट तक हम इसमें स्टीम ले लेंगे। 30 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। आप देखिए, केसर का कलर और पिस्ते का कलर इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी मिठाई बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम चाकू डालकर देखेंगे और देखिए, ये पूरा क्लीन निकला है, मतलब हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप एक ही बार में एक बड़ी थाली में बनाएं इसे, आप इसे 2 बार में भी आधा आधा करके बना सकते हैं। अब हम इसे काट लेंगे, तो आपको जितना बड़ा शेप चाहिए आप उतने बड़े शेप में मिठाई काट लें। एक मिठाई मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई कितनी बढ़िया बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, ये मिठाई दूसरी मिठाइयों से कहीं ज़्यादा पौष्टिक है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।